नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आपको दोस्त स्वागत है एक और बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँ। गाइस आज ना मेरे पास ना RS बाइक आ रखी है। इसके अंदर जो दिक्कत है, जो फ्यूल पंप है ना वो वर्क नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। मुझे लगा कि इसके अंदर जो इसका जो फ्यूल पंप होता है, जो मोटर होती है वो चीज़ खराब हो गई। मैंने खोल के देखा तो इसके अंदर ना गाइस करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके साथ कभी बाइक के साथ अभी ऐसा दिक्कत या परेशानी आती है तो आपका फ्यूल पंप चेक करना है, किस तरीके से चेक करते हैं तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे उसे चेक करते हैं, और आपको वो सोल्यूशन बताऊंगा किस तरीके से चेक करते हैं, किस तरीके से दिक्कत परेशानी आती है। तो मैं आपको पहले लेके चलता हूं अपनी बाइक के पास और मैं आपको उसका जो फ्यूल पंप है वो दिखाता हूं कि इसका जो वर्क है वो कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं अपनी चाबी ऑन करूंगा, हॉर्न भी लग रहा है, सेल्फ भी लग रहा है, बट क्या है जिसकी जो फ्यूल पंप की जो मोटर है वो वर्क नहीं कर रही है, वो काम नहीं कर रही है। जैसे आप उन्होंने सुना कि हॉर्न भी बज रहा है और सेल भी लग रहा है, बट क्या है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, दिक्कत परेशानी आ रही है। तो एक बार आपको माइक है जो मैं इसके पास लेके आता हूँ और आपको इसकी जो आवाज़ है वो सुनाऊंगा, चाहूँगा कि इसके अंदर से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। गाइस हमने चाबी ऑफ कर दी है तो आपको ऐसे महसूस होगा जो इसके अंदर जो मोटर जो वर्क करनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं वर्क करती। देखिए आप देखते हो हमारे पास R15 खड़ी हुई है, उसके अंदर जो मोटर है वो वर्क करके दिखाऊंगा मैं किस तरीके से वर्क होती है, उसी तरीके से इसके अंदर भी आवाज आती है। तो मैं उसके पास लेके चलता हूँ आपको, पहले उसके पास जो उसके अंदर सुनाता हूँ उसकी मोटर की आवाज वर्क कर रही है नहीं कर रही है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हमने चाबी ऑन करी और इसकी मोटर है वो वर्क करी और कुछ टाइम बाद वो बंद हो गई, मतलब जो इसका जो रिले है वो जो अपनी ICU जो बड़े तरीके से जो काम करता है ऐसे उसके अंदर दिक्कत आ रही है, वो सही से वर्क नहीं कर रहा। वो फिर एक बार चाबी ऑफ करके मोटर की आवाज़ है वो सुनाता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने मोटर की आवाज़ सुनी और इसके अंदर सेल मारेंगे और सेल मार के देखेंगे स्टार्ट हो रही नहीं हो रही। तो जैसे कि आपने देखा हमने सेल मारा और स्टार्ट हो गई। अब इसी चीज़ को हम प्रोसीजर, गाइस मैंने आपको इसलिए बताया कि किस तरीके से मोटर जो वर्क है वो वर्क करती है। अब उसके अंदर हम चेक करेंगे उस तरीके से मोटर वर्क कर रही है नहीं कर रही। जैसे कि मैंने आपको सुनाया था उसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही है, फिर भी आपको दोबारा ट्राई करके रिपीट करके दिखाता हूं गाइस, ठीक है। जैसे उसमें आवाज़ आ रही थी इसमें वैसी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। चाबी हम ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं, बट इसके अंदर वो ऐसी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इसके अंदर दिक्कत परेशानी कहाँ से आ रही है वो सारी वर्क करके चेक करा जाएगा। दो तीन बार इसकी जो चाबी ऑफ करी ऑन करी पर फिर भी वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मोटर को कैसे चेक करा जाएगा, इसकी जो मोटर है वर्क कर रही है नहीं कर रही, फ्यूल पंप काम कर रहा है नहीं कर रहा। गाइस तो आपको क्या लेना पड़ेगा उसके लिए, गाइस एक इंडिकेटर लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको कटर लेना पड़ेगा और कुछ वायर लेनी पड़ेगी, तो जिससे हम अपनी मोटर को चेक करेंगे वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रहे। तो आइए मैं आपको, मैंने इसको पूरी खोल रखी है और जो हमारी जो फ्यूल पंप की जो तार है यहाँ पे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो फ्यूल पंप की तार है, हम इस फ्यूल पंप की तार को चेक करेंगे और आपको मैं नोटिस करके कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो फ्यूल पंप की तार है और ये हमारी किसकी तार है, फ्यूल मीटर की, जो हमारी जो पेट्रोल की जो सुई दिखाता है उसकी तार है, और हमारी फ्यूल पंप की तार है, जो हमारी जो इंजेक्टर जो मोटर वोटर जो घुमाते हैं उनकी तार है, एक इसमें प्लस की तार है एक माइनस की तार है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये अटैच हमारी इस फ्यूल पंप से वहाँ पे आपको दिख रही होगी। इसके अंदर हम चेक करेंगे करंट की दिक्कत है या अर्थिंग की दिक्कत है। अब हम कुछ तार लेंगे, इसके अंदर हम तार ला के चेक करेंगे इसके अंदर करंट की दिक्कत है माइनस की दिक्कत है, ठीक है गाइस। हमने इसी तरीके की तार छील ली है, हमारी रेड वाली तार छिली हुई है हमने। हम पहले सबसे पहले हम इसके जो अर्थिंग वाली है हम अर्थिंग के अंदर जोड़ेंगे इस तरीके से, अर्थिंग वाले के अंदर डाल देंगे गाइस, ठीक है। इस तरीके से जाल डालने के बाद हम इसे कनेक्ट करेंगे गाइस, कनेक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे इसे अर्थिंग पे लगा के, मतलब कि बैटरी की जो अर्थिंग है वहाँ पे लगा के चेक नहीं कर रहा। इधर भी हमने प्लस लाल वाली तार लगा रखी है और इधर भी हमने इसके अंदर लाल वाली तार लगा रखी है, वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, दिक्कत क्यों आ रही है, परेशानी क्यों आ रही है, वो आपको सारी बताई जाएगी। तो हम इसके बाद क्या चेक करेंगे गाइस, इसके अंदर हम चेक करेंगे, हमने अर्थ वाले में चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे करंट वाले के अंदर कि करंट वाले में इसी तरीके लगा चेक करेंगे वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से हम करंट वाले में भी लगा देंगे तार को। हमने इसी तरीके से करंट वाली में भी वायर को लगा दिया गाइस, ठीक है। हमारी जो लेल वाली थी अब हम चेक करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे गाइस जो हमारी ये रेड वाली तार है इसके अंदर जो आप देखते थे प्लस का निशान दिख रहा होगा, शो कर रहा होगा या प्लस का निशान बना हुआ, हम इसके चेक करेंगे।
तो गाइस जब मैंने इसके अंदर लगाया तो इसके अंदर जो फ्यूल पंप है वो अच्छी तरीके से वर्क करने लग गया। मैं आपको एक बार और जब हमने चेक करा इसके अंदर तो इसका जो फ्यूल पंप है वो काम करने लग गया। जैसे हम इसको तार लगाएंगे यहाँ पे प्लस वाले को, यहाँ पे आपको मोटर सुनाई देगा, तो अब हम इसको तार लगाएंगे यहाँ पे और आपको मोटर की आवाज़ आएगी। देखा गाइस सुनना मोटर की आवाज़। तो जैसे कि आपने सुना कि इसके अंदर आवाज़ आ रही है मोटर की, और बट क्या है कि वो प्रॉपर तरीके से चाबी ऑन करने पे ऑन नहीं हो रही है, काम नहीं कर रही है, दिक्कत आ रही है। बट अब इसके अंदर हम चेक करेंगे इसके अंदर, वहाँ पे इसके अंदर दो पीछे रिले होती है रिले के अंदर ही। तो यहाँ पे गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमें दो रिले होती है ब्राउन कलर की, चॉकलेटी कलर की। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि इसके अंदर से कोई फॉल्ट तो नहीं है, या रिले चेंज करके देखेंगे, या इसके अंदर ये दो पिन तारे होती है वो चेक करेंगे कनेक्ट करके कि वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही है। गाइस हमारी जो रिले है हम इसका आपको तार चेक कराएंगे इसके अंदर कौन सी तार थी। इन दोनों रिलों को हम बाहर निकाल लें गाइस। ऐसी इसके अंदर दो ब्राउन कलर की रील होती है, इसके अंदर नंबर पार्ट डले होते हैं, वो आपको मैं बाहर दिखाऊंगा, मेंशन कराऊंगा इसके बाद। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको नोटिस हो रहा होगा जो हमारी जो फ्यूल पंप में जो तार आ रही है वो यहाँ पर भी तार शो कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑरेंज और ब्लू कलर की आपको यहाँ पर वायर शो हो रही होगी, और वही फ्यूल मीटर में जा रही है, फ्यूल पंप में जा रही है। वो आपको मैं वहाँ पर चेक कराता हूँ वायरिंग इसकी, एक बार ऑरेंज कलर की भी है और इस ब्लू भी है, मतलब मिक्स वायर है इसके अंदर दोनों तरह के, वो वहाँ पे भी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी चेक करेंगे डायरेक्ट करके कि डायरेक्ट करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे चेक करके वहाँ पे शो कराया था, ऐसे हम इसके अंदर भी शो करेंगे दिक्कत कहाँ से आ रही है क्या आ रही है। ठीक है गाइस हम इस रिले को बाहर निकाल लेंगे, मैं आपको रिले का नंबर दिखाऊंगा, पार्ट नंबर दिखाऊंगा एक बार इसके अंदर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इसकी जो रिले ये मेंशन हो रखी है, ऐसी दूसरी रिले भी है गाइस। इसके अंदर दिक्कत हो सकती है हमारी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से वर्क कर रहा है, हो सकता है इसके अंदर हमारी रिले है वो ख़राब हो रखी हो, या इसकी जो वायरिंग है वो कहीं ना कहीं से ख़राब है, क्योंकि पीछे से भी कहीं इसमें करंट आता है, फिर जब भी वो आगे फिल्टर होकर इस तार से निकल के करंट जाता है। ठीक है हम इस रिले को लगा रहे तो डायरेक्ट नहीं हो रही है, हम अब थोड़ी सी तार लेंगे गाइस, जो हमारी जो वायरिंग है ना इस तरीके से वायरिंग लेंगे हम, उसको काट लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे डायरेक्ट करके वो तार में करंट कहाँ पे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है गाइज। तो गाइज मैंने इस तरीके से तार बना ली है इसकी, और इसको हम थोड़ा सा यू टाइप का बना लेंगे, मतलब यू टर्न जैसे होता है यू टाइप का बना लेंगे हम इसको, फिर हम इसको चेक करेंगे वहाँ से करंट कहाँ से आता है उसके अंदर, वहाँ से करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पिंक कलर और ग्रे कलर आपको यहाँ पे नोटिस हो रहा होगा, पिंक कलर और ग्रे कलर यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, तो इससे तोड़ के हम नीले वाले में जोड़ेंगे। ठीक है गाइस इसको हम यू टाइप का बना के इसके बाद इसको इस तरीके से जोड़ेंगे हम इससे। मैंने तार डायरेक्ट कर रखी है, ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी जो वायर है वो डायरेक्ट हो रखी है गाइस। ठीक है और हम चाबी ऑन करेंगे, हमारी चाबी ऑफ है, हमारी चाबी ऑन करेंगे और मैं आपको इसका जो अंदर की जो मोटर वो आवाज़ करेगी गाइस आपको। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं वो जो इसके अंदर जो मोटर की जो आवाज़ है वो आती रह रही है, बोलो प्रॉपर तरीके से जो वर्क है वो नहीं कर रही है गाइस। हो सकता है इसकी रिले ख़राब हो, जिस तरीके से रिले इसकी ये रिले ख़राब हो, या इसके अंदर अगर आपकी बाइक की प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट करके उसे अपने मकैनिक के पास या सर्विस सेंटर या शोरूम पर वहाँ पर ले जा सकते हैं। अब मैं चाबी ऑन करके अब स्टार्ट करके देखूँगा स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही। पहले तो स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि मोटर काम ही नहीं करती, स्टार्ट कहाँ से होगी। अब हमारी जो बाइक है वो स्टार्ट भी हो रही है, पर गाइस जो प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मुझे खुद भी इसके अंदर समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर फॉल्ट कहाँ से है। इसकी रिले ख़राब है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिले ख़राब है, या इसके अंदर वायरिंग की प्रॉब्लम है, या इसके अंदर गाइस एसीएम सिस्टम होता है इसके अंदर एक बहुत बड़ा एसीएम सिस्टम होता है, या वो दिक्कत है, या आईसीयू की दिक्कत है, मुझे गाइस खुद समझ नहीं आ रहा। तो मैंने जो ये गाड़ी के जो ओनर है इनको मैंने रेफ़र कराया है कि आप इनको शोरूम पे लेके जाइए, वहाँ पे आप इसे प्रॉपर तरीके से चेक हो पाएगी आपकी गाड़ी। अगर आपको दिक्कत परेशानी ऐसी लगती है गाइस, ठीक है आप कमेंट करके जैसे ही मुझे बताना चाहे आप सलाह दे सकते हैं मुझे, जैसी भी आपकी इच्छा करती हो, जिस तरीके से आपको मेरी बातों से अच्छा लगा, बेकार लगी, अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। ठीक है बट मुझे जो दिक्कत परेशानी लगी मैंने हाथ खड़े कर दिए, मुझे खुद नहीं पता इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है। अगर मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा इसके अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ ख़राब हो जाए, बट ये है कि मैंने इसे स्टार्ट कर दी, मेरे पास ये स्टार्ट नहीं आई थी, मैंने सेल मारा स्टार्ट हो गई है। अब दिक्कत क्या परेशानी आ रही है शोरूम पर जाके ही पता चलेगी। और गाइस मैं
ने दो इलेक्ट्रिशियन के पास इसे पता करा, मेरे आसपास में जो इलेक्ट्रिशियन है मैंने उनके पास पता करा, उन्होंने भाई साफ मना कर दिया कि ये हमसे गाड़ी नहीं होगी क्योंकि इसका जो सामान है वो नहीं मिलता। ठीक है गाइस, बाहर पहली बात तो ये, और दूसरा इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जब कोई मना ही कर दिया, कह रहे भाई हमसे नहीं हो पाएगी, तो आप इसे ना शोरूम पे भेज देते, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो गाइस पट हमारी स्टार्ट हो गई है, अब मैं इसे पूरी फिटविट कर देता हूँ, बट मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए या दिक्कत आए, परेशानी आए, तो मैंने इसे मना कर दिया है देने से लिए। तो इसलिए गाइस ये हमारी ना गाड़ी जो शोरूम पर जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको R5 में चेक कराया था, चाबी ऑन करते ही फ्यूल पम्प काम करता है, फिर बंद हो जाता है, बट हमने जब इसे डायरेक्ट करा तो इसका जो फ्यूल पम्प है वो डायरेक्ट ही हो रहा है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, डायरेक्ट ही हो रहा है, चाबी ऑन करी ऑफ होनी चाहिए बट वैसा नहीं हो रहा। तो दिक्कत परेशानी जो भी है वो इलेक्ट्रिशियन ही चेक करें, शोरूम वाले चेक करेंगे, तो मैं इसे फिट कर देता हूँ। मैंने गाड़ी वाले ओनर को बोल दिया भाई वहाँ पे आप लेके जाए, तो उन्होंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, आप उसे पैक कर दीजिए, जो भी दिक्कत परेशानी होती है मैं शोरूम में चेक करा लेता हूँ भाई। तो आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।